इट्स गुड मॉर्निंग टू यू. दिस इज ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास वन. आज हम लोग पिछले क्लास में हमको दो वरदान मिस आप लोगों को रीड आउट कराई थी और आप लोग लर्न भी किए होंगे और होमवर्क भी कंप्लीट किए होंगे. आज मिस आप लोगों को शब्दार्थ पढ़ाएगी. शब्दार्थ जो आप लोगों को हिंदी लिटरेचर में शब्दार्थ कहते हैं और इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड मीनिंग, तो आप लोगों को बहुत जरूरी है ना लिटरेचर में शब्दार्थ पढ़नी. आज पढ़ेंगी मिस हमको दो वरदान कविता की शब्दार्थ. प्रभु, यहाँ पर देखिए एक शब्द का दो दो मीनिंग है, दो दो अर्थ है. प्रभु का भगवान भी कहते हैं, हम लोग ईश्वर भी कहते हैं. आप लोग इंग्लिश वाले नहीं लिखेंगे, हिंदी वाले दोनों शब्द को लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते हैं. वरदान, किसी की कृपा से प्राप्त वस्तु. वरदान, किसी की कृपा से प्राप्त वस्तु. सम्मान आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए. अभिमान, गर्व, अहंकार. आप लोग यहाँ अहंकार लिखेंगे, अभिमान का अहंकार लिखेंगे. थल, जल रहित भूमि या स्थान. दो ही हैं यहाँ पर, आप लोग किसी एक को भी लिख सकते हैं और दोनों को भी लिख सकते हैं. अहंकार, अंधेरा. बच्चों चलिए शब्द कोश. नंबर वन, वरदान. नंबर टू, ध्यान. नंबर थ्री, सम्मान. नंबर फोर, अंधकार. नंबर फाइव, सहारा. ये शब्दार्थ को आप लोग क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे. चलिए आज मिस आप लोगों को कुछ अभ्यास करवाएगी इसी चैप्टर से. कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए. यहाँ पर पंक्तियाँ जो अधूरी है, कविता की पंक्तियों में से कुछ वाक्य या शब्द छुटे हुए हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे. प्रभु जी हमको दो वरदान, मन में रहे आपका ध्यान. करे बड़ों का हम सम्मान, कभी ना हो हमको अभिमान. ख, सही कथन पर सही व गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं. नंबर वन, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए. ये वाक्य सही है ना, तो सही का चिन्ह लगाएंगे. हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए. नंबर टू, हमें अभिमान करना चाहिए. नहीं ना, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ये गलत है. नंबर थ्री, दुख में हमें प्रभु सहारा देते हैं. सही है ना, ये वाक्य सही है, तो सही का टिक लगाएंगे. नंबर फोर, हमें प्रभु का ध्यान मन में नहीं रखना चाहिए. ये गलत है ना, हमें हमेशा प्रभु का ध्यान मन में रखना चाहिए. क और ख आप लोग क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में करेंगे और सुंदर से लिखेंगे और अच्छी तरह सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे. बाय, लव यू, हैप्पी लर्निंग.